इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरिद्वार जिले के रुड़की से सामने आ रही है, जहां आज शाम को इकबालपुर गांव में अहमदाबाद ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने से ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 19031 अहमदाबाद ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस अहमदाबाद से ऋषिकेश जा रही थी। जैसे ही ट्रेन रुड़की के इकबालपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो ब्रेक लगाने से कोच के निचले हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद कोच के सारे यात्री नीचे उतर गए। आग लगने की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रीति करनवाल पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन इकबालपुर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। लक्सर जीआरपी थाना अध्यक्ष संजय शर्मा के अनुसार आग कोच के निचले हिस्से में लगी थी। आग से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोच को ठीक करने के बाद लगभग एक घंटे के बाद ट्रेन को ऋषिकेश के लिए रवाना कर दिया गया। जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया कि पहिए जाम होने से चिंगारी के बाद धुआं उठा था। ट्रेन में पहिए के ऊपर ब्लॉक बने होते हैं, कई बार वह जाम हो जाते हैं और चिंगारी निकलती है। योग नगरी एक्सप्रेस ट्रेन में भी यह गड़बड़ी हुई थी, जिसे बाद में सही कर दिया गया था। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।